आज हम भगवद गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 31 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदा भूता पृथक भवाम ईकास्थाम अनुपस्यति तथा इव च विस्तराम ब्रह्मा संपद्यते तदा। When a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies and he sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahman conception. So, जब एक sensible इंसान अपने अलग अलग identities को देखना ख़त्म कर देता है, क्योंकि अलग अलग material bodies में वो रह चुका है, and he sees how beings are expanded everywhere, वो ये देखता है कैसे living thing हर एक जगह पे expand करता फिरता है या कितने सारे forms में रह सकता है, वो ब्रह्मन का conception, जो ब्रह्मन conception है उसको समझ पाता है कि एक source energy है, हम अलग अलग bodies में जाते हैं, वही source energy से जो soul बनता है वही soul continue होता है, ये सब चीज़ जो वो समझ पाता है, वो ब्रह्मन concept को समझ पाता है कि कभी भी हमारा जो शरीर है वो मरता नहीं है, मतलब जो आत्मा है वो मरता नहीं है, शरीर बदल सकता है लेकिन आत्मा मरता नहीं है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। व्हेन वन कैन सी दैट द वेरियस बॉडीज ऑफ लिविंग एंटिटीज अराइज ड्यू टू द डिफरेंट डिजायर्स ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड डू नॉट एक्चुअली बिलोंग टू द सोल इट्सेल्फ, वन एक्चुअली सीज, जब वो ये बात समझ सकता है कि जो हमारे अलग अलग डिजायर्स है वो इंडिविजुअल सोल से होता है बॉडी के अंदर रहने के वजह से। देखो, वेरियस बॉडीज ऑफ लिविंग एंटिटीज arise due to different desires of the individual soul and do not actually belong to the soul itself. वो body के अंदर जब soul रहता है तब desire जन्मता है, लेकिन वो soul से detached रहता है, soul से कोई direct connection नहीं है उस चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा। body के अंदर वो soul रहने की वजह से इसके अंदर रहोगे, क्या बोलते हैं, अपने बिल्ली के बॉडी में रहोगे तो बिल्ली जैसा आपकी डिज़ायर्स होगी, अगर आप इंसान के बॉडी में रहोगे तो इंसान जैसी डिज़ायर्स होगी, है ना। सो इन द मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ वी फाइंड समवन डेमिगॉड, समवन अ ह्यूमन बीइंग, अ डॉग, अ कैट एक्सेट्रा, जैसे मैंने समझाया अभी। दिस इज़ मटीरियल विजन, नो एक्चुअल विजन, ये हमारा मटीरियल विजन है, एक्चुअली यही सारे चीज़ें सच नहीं है। दिस मटीरियल डिफरेंशिएशन इज ड्यू टू मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटीरियल बॉडी द स्पिरिट सोल इज़ वन, जैसे हमारा जो मटीरियल बॉडी होता है वो जब ख़राब हो जाता है तब स्पिरिट सोल जो होता है वो एक वापस से अपने सोर्स के साथ में कनेक्टेड हो जाता है, मतलब वही स्पिरिट सोल होता है। द स्पिरिट सोल ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द मटीरियल नेचर गेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी, जो स्पिरिट, मैंने यही चीज़ अभी तक समझाया कि हमारे कर्म के हिसाब से, पहले के श्लोक में भी बता चुकी हूँ, हमारे कर्म के हिसाब से देखा जाए बहुत सारे अलग अलग बॉडीज़ को हमारे प्राप्त करना पॉसिबल है, हमारे शरीर को अलग अलग बॉडीज़ प्राप्त करना पॉसिबल है, बट जैसे ही हम कर्म करते हैं उस हिसाब से हमें नेक्स्ट बॉडी मिलता है, लेकिन जो हमारा सोल है वो कभी भी नहीं बदलते हैं, ठीक है। व्हेन वन कैन सी दिस ही अटेंड स्पिरिचुअल विजन, जैसे ही वन इस चीज़ को जैसे देखते हैं वो स्पिरिचुअल विजन को अटेंड करते हैं। दस बींग फ्रीड फ्रॉम डिफरेंशिएशन लाइक मैन, एनिमल, बिग, लो एक्सेट्रा, वन बिकम्स प्यूरिफाइड इन इज कॉन्शियसनेस, जैसे इंडियन ट्यूशन है ना, रिच हो पोअर हो सारे लोग वोट कर सकते हो, सबको इक्वल राइट है, वैसे ही ये भगवद्गीता से कॉन्सेप्ट से या फिर हमारे जो मतलब ये माइथोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट उसी से है कि चाहे आप ऊंच हो नीच हो जो भी स्टेट में आप अभी हो आप सब कुछ एक ही हो, तो वहाँ पे तो कुत्ते बिल्ली जानवर दानव सब एक ही जैसे मतलब सारे ही उस कैटेगरी में आते हैं, बट हाँ वोट सिर्फ इंसान दे सकते हैं। हाउ ही देन सीज थिंग्स विल बी एक्सप्लेन द नेक्स्ट वर्ड, तो कैसे इस चीज़ को देखा जाता है, देखो, वन प्यूरिफाइड इन हिज कॉन्शियसनेस एंड एबल टू डेवलप कृष्ण कॉन्शियसनेस इन स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, कृष्ण कॉन्शियसनेस की आइडेंटिटी जो है ना उस चीज़ में आप आ जाते हो एंड आपके जो सारे जो भी स्थिति में आप हो आप उसी परमेश्वर के साथ में एक हो जाते हो, मतलब यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी स्टेट ऑफ इसमें मटेरियल वर्ल्ड में चाहे कहीं पे भी हम हो, हमारी जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है वो यही है कि हम सारे ही एक सोल है जो कि एक जर्नी पे निकले हुए हैं एंड उसी सोर्स एनर्जी के साथ में
एक हो जाना है, ठीक है। दैट्स वाई 1111 जो नंबर होता है वो यही चीज़ बताता है कि हम एक ही है, वो एक ही रहेंगे एक जर्नी के हिसाब से, और उस एक ही के साथ में हम ज्वाइन हो जाएंगे। वो स्पिरिट जो सोर्स एनर्जी है उससे वो एक इंडिविजुअल सोल निकलता है, वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है एंड वापस जाके वो, इसीलिए 1111 नंबर जो है वो इतना पॉपुलर है उसी चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है। तो यही तक है श्लोक नंबर 31 ऑफ भगवद्गीता चैप्टर 13। अगले दिन हम जैसे 31 है 31 और चैप्टर 13 1 3, तो 1 3 3 1, 1 से शुरू किया 3 3 बने और फिर से 1 हो गए। सो अगले दिन हम श्लोक 32 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।